गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज 3 फरवरी, टाइम 10:10 होने वाला है इवनिंग के। डॉलर इंडेक्स अभी 95.31 है। तो जब मैंने 1 फरवरी को वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, एट दैट टाइम डॉलर इंडेक्स वाज एट 96.67 या 65 से 70 के बीच में था। एट दैट टाइम अपना जो एक्सपेक्टेशन था कि दिस इज गोइंग टू बी ए फॉल्स ब्रेकआउट, इन सच ए सिनेरियो डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू टेस्ट द लोअर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, दैट इज 95.50 से 95.60। तो आज ही वो नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर टारगेट, और उसको टारगेट को तोड़ के उसके नीचे आ गया। दैट मीन इज इट ए मैजिक? नो, इट्स प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस, यानी प्राइस कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर। हियर आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्रेडिट, बिकॉज अगर प्राइस इधर जाता है तो ऑल द क्रेडिट गोज टू ओनली द टेक्निकल एनालिसिस, और अगर प्राइस इसके इधर नहीं आके उल्टा जाता है एंड स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, देन ऑल्सो द टेक्निकल एनालिसिस इज रेस्पॉन्सिबल। मैं कौन होता हूँ कि डायरेक्ट करने का या डायरेक्शंस देने का, लेकिन जस्ट आई वांट टू शो दैट द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, पावर ऑफ चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग। तो उसी डायरेक्शन पे हम थोड़ा सा एक रिव्यू करेंगे कि 1 फरवरी का जो वीकली एनालिसिस था, वहां पे हमारा डॉलर इंडेक्स कहाँ पे था। आपका ये 1 फरवरी का वीकली एनालिसिस था, जो हमने 1 फरवरी को डिस्कस किया था, वहां पे हमने क्या एनालाइज किया था? आशा कर रहा था कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हुआ नहीं है। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद ये उल्टा जो उसका जो अपर रेंज है, दैट इज 97.00, वो अपर रेंज के ऊपर चला गया है, एंड वहां पर भी ये सस्टेन कर नहीं पाया। व्हाट इट मींस, इट सीम्स इट्स ए फॉल्स ब्रेकआउट अबोव दिस पर्टिकुलर रेंज। तो ये जब ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो ज्यादातर चांसेस यही होता है कि आपका ये लोअर रेंज पे इमीडिएटली आने का। तो दैट मीन द केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स ये जो रेक्टेंगल या रेंज है, 97 ऑन द हायर साइड एंड 95.50 ऑन द लोअर साइड, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये लोअर रेंज में आने का, आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में शायद ये आ सकता है। तो ये जो एनालिसिस है 1 फरवरी को, जो वीकली एनालिसिस का, उसका एक क्लिपिंग्स है। अभी हम देखेंगे जो डेली एनालिसिस 2 फरवरी एंड आज सुबह जो एनालाइज किया था, उसका एक पार्टिकुलर पोर्शन। अभी 2 फरवरी का जो डेली प्री मार्केट करेंसी एनालिसिस है, वहां पे क्या डिस्कस हुआ था? आज 2 फरवरी 2022, डॉलर इंडेक्स अभी है 96.24 पे। कल जो हमने वीकली एनालिसिस किया था, उसके अनुसार ये जो डॉलर इंडेक्स का अपर साइड में जो ब्रेकआउट एंड फिर कमिंग बैक विद इन द रेंज, इसको फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से कंसीडर अगर करेंगे, तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स ये नीचे के रेंज की तरफ आने का पूर्ण संभावना है, यानी कि 95.50 95.60 के तरफ आने की पूर्ण संभावना है। अभी हम देखेंगे आज मॉर्निंग में जो प्री मार्केट एनालिसिस किया था, उसमें क्या डिस्कशन हुआ? दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आपका स्वागत है। आज हम देखना चाहें कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या हुआ है और आने वाले दिन में क्या हो सकता है। डॉलर इंडेक्स जैसा हम देख रहे थे कल के एनालिसिस पे 96.25 के आसपास था, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि 95.50 से 95.60 की तरफ ये मूव करना चाहिए। तो उसी दिशा पे ये मूव हो रहा है, और देखते हैं आने वाले दिन पे ये प्राइस एक्शन और कैसा बिहेव करता है। डॉलर रुपये
तो ये हो गया आपका आज सुबह प्री मार्केट एनालिसिस। तो अभी जो रात के 10:15 हुआ है 3 फरवरी 2022, डॉलर इंडेक्स कहाँ पे है? ये रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे आया है। दिस इज द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, मींस सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस, जहाँ पे ये एक अच्छा एनालिसिस आया है। तो क्या ये मैजिक है? नो, इट्स नॉट ए मैजिक, इट्स ए सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।